बड़े दिन हो गए थे घर 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 पहले मैं एसी की हर साल सर्विस कराता था, लेकिन हमेशा सर्विस के 4 या 5 दिन बाद इसकी गैस निकल जाती थी। 3 साल से इसकी सर्विस मैं खुद ही कर रहा हूँ। छत पे इसका आउटडोर यूनिट रखा हुआ है, उसे वॉश कर देता हूँ, यहाँ से भी क्लीन कर देता हूँ, और 3 साल से अभी तक एक भी दिक्कत नहीं आई। पता नहीं वो ऐसा क्या करके जाते थे। आज का मेरा दिन काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि मुझे 2-3 जगह जाना है, और आज मैं जाऊंगा अपने फ्रेंड रोहित से मिलने के लिए। वैसे रोहित मेरे से मिलने 2-3 बार आ चुका है, बट मैं उसके पास एक बार भी नहीं गया। शायद इसीलिए नहीं गया कि वो मेरे पास 2-3 बार आ चुका है। रोहित मेरा वो फ्रेंड है जो मेरे साथ लद्दाख गया था, रेड कलर की पल्सर। और लद्दाख ही नहीं, वो मेरे साथ 2012 से हर ट्रिप पे गया है। मतलब कोई भी एक ऐसा ट्रिप नहीं था जिस पे वो मेरे साथ नहीं था, स्पेशली बाइक राइड। लेकिन अब रोहित नेक्स्ट मंथ पापा बन जाएगा, तो काफ़ी टाइम से जब भी मैं उससे पूछता हूँ कि रोहित कब चलना है, तो बोलता है यार चलेंगे चलेंगे, देखते हैं, आपको अपने साथ लेके चलता हूँ और आपके सामने ही पूछूंगा कि क्या कहता है। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन, लेट्स गो। बाइक को मैंने कोल्ड स्टार्ट कर दिया, तो चलो जूम। जल्दी जल्दी मैं अपने घर से मैं निकल तो गया, लेकिन ग्लव्स लाना भूल गया। बट एनीवेज मेरी टी शर्ट में थंब होल है, और इसी के साथ मेरी वीडियो में मलिका ने भी ज्वाइन कर लिया। मलिका से हाय। मलिका, मैं रोहित आत्या, काफ़ी टाइम हो गए इकट्ठे मिले नहीं, तो आज ये काम भी पूरा कर देते हैं। रोहित को मैंने बोला था कि मैं 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा उसके पास, लेकिन अभी ऑलरेडी 3:18 हो चुके हैं। अच्छा खासा टेम्परेचर भी है इस वक्त, 38 डिग्रीज हो रखा है। ये स्कूटी वाले भाई साहब मेरे से रेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी देर से। अच्छी बात है, इन्हें अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है, और हम तो खैर ठहरे टाइगर वाले, हम कहाँ इनसे जीत पाएंगे। रेड लाइट पे रुकना था, वो तो इसीलिए हम आगे निकल पाए, वरना हम इससे आगे निकल नहीं पाते। देखना पिकअप, देखना पिकअप, ये देखो, वाओ। He is noticing me in his rear view mirror. कह रहा अब चला जा यार, बहुत हरा दी, अब चला जा। तुझे चेन कर्टेन से कोई डिफरेंस फील हो रहा है? क्या डिफरेंस फील हो रहा है बाहर की? हाँ, नॉइज काफ़ी आती थी। मेरे ख्याल से तेरे को स्पीड में चलेंगे तो भी हेल्प करेगा, जो हेलमेट थोड़ा बहुत स्पीड में आने पे हवा से हिलता है ना, तो शायद ये उसमें भी थोड़ी हेल्प करे। बाकी लेट सी, बस फर्क पता चलना चाहिए। अभी हम छोटा मोटा ट्रैवल करते हैं हल्का फुल्का, तो तेरे को फेस को कवर करने की जरूरत नहीं है बंडाना वगैरह बांध के, क्योंकि कर्टेन इतना लंबा है कि पूरा कवर कर लेगा। रेड लाइट पे खड़े होना आफत लग रहा है, हेलमेट के अंदर बहुत स्वेटिंग हो रही है। चलो मलिका, तू रोहित के घर पे शायद सेकंड टाइम जा रही है ना?
और मैं शायद रोहित के पास थर्ड टाइम जा रहा हूँ। इससे पहले सबसे पहली बार गया था, घर नहीं गया था मैं, नीचे से ही उसे ड्रॉप करके वापस आ गया था, ठीक से याद नहीं है मे भी। हाँ हाँ, बीच बीच में धूप चली जाती है ना, अच्छा सा लगता है। रेड लाइट्स तो है लेकिन देखा जाए तो द्वारका की रोड्स हैं काफ़ी अच्छी, काफ़ी खुला खुला बनाया हुआ है, सोसाइटीज़ अपार्टमेंट। क्या करूँ, रुक जाऊँ, मुझे रुक जाना चाहिए। हाँ, येलो का मतलब होता है स्लो डाउन, लोग समझते हैं येलो का मतलब है भगा लो। चलो, आंधी आनी भी स्टार्ट हो गई है, बट आंधी के साथ क्या है, बारिश भी होनी चाहिए। अगर बारिश हो जाएगी तो टेम्परेचर जो है वो अच्छा हो जाएगा और बाइक चलाने में मज़ा आएगा, लेकिन रोहित के घर पहुंचने के बाद होनी चाहिए बारिश, उससे पहले नहीं। यहाँ पर एक मेरे ख्याल से वो भूतिया पेड़ भी यहीं पर आ गई द्वारका में, जिसके बारे में काफ़ी सुना है ना, ऐसी कोई, हाँ ऐसी कोई जगह है, मेट्रो लाइन के साथ साथ है। ऑलराइट, तो हम रोहित के घर ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, अब मैं आपको रोहित के घर पहुँच के मिलता हूँ। तो यही मेरा फ्रेंड है रोहित, जिसकी मैं बात कर रहा था, और रोहित जो है वो एयरपोर्ट पे जॉब करता है। रोहित, कैसे अभी एयरपोर्ट पे हालत चल रहे हैं? एयरपोर्ट पे काफ़ी रश हो गया है, अब लोग आना जाना कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक रूल है कि अगर आपको आरोग्य सेतु ऐप है और उसमें अगर हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है तो आप एंट्री नहीं कर सकते, तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। दैट इज़ सैड, बट हमारी सेफ्टी के लिए वो अच्छा है। बाकी रश है, ट्रैवल कर रहे हैं, अभी रिपार्टिशन फ्लाइट्स भी चल रही है, तो अभी सारी फ्लाइट्स जो है वो चालू हो चुकी हैं, सिर्फ डोमेस्टिक, और इंटरनेशनल जो चल रही है वो इंटरनेशनल डिपार्चर अराइवल सिर्फ एयर इंडिया के हो रहे हैं, वो भी रिपार्टिशन जो यहाँ पे स्टैंडर्ड इंडियंस है और वहाँ पे स्टैंडर्ड इंडियंस है उनका सिर्फ उनके लिए, तो वो तो स्पेशल फ्लाइट्स हो गई, स्पेशल फ्लाइट्स। और रोहित, तूने एयरपोर्ट पर किन किन मतलब सेलिब्रिटीज़ को देखा है आज तक? बहुत सारे देखे हैं, कुछ तो मुझे याद नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी, सुशांत सिंह राजपूत, शाहरुख खान, करीना कपूर, बहुत देखे हैं, मुझे खुद भी याद नहीं है सारे। और मेरे जैसे किसी बड़े यूट्यूबर से मिला तो आज जिसके 4-5 सब्सक्राइबर हूँ मैं लकी हूँ। ऋषि और मलिका भी मेरे पास 2 बार आ चुके हैं। हाँ, वो 4-5 सब्सक्राइबर में से 3 तो यहाँ बैठे हैं। इसी बात पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा के जाना और लाइक भी। अच्छा रोहित, एक बात और बता, अब बाइक राइड पे कब चलना है? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, ये चलेंगे चलेंगे चलेंगे। जब मैं अपने घर से निकला था तो मैंने वीडियो पहले ही बोल दिया था कि रोहित से पूछूंगा बाइक राइड पे कब चलना है, तो रोहित बोलेगा चलेंगे चलेंगे चलेंगे। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और क्या, इट वॉज लवली टू हैव यू गाइस, जल्दी आते रहना दोबारा, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। हाँ चलो बाय, चल भाई मिलते हैं, बाय बाय, जल्दी दोबारा बैठ जाओ, बाय बाय। मार्केट काफ़ी हद तक खुल गई है, केसेस भी उतने बढ़ गए हैं, हाँ कोई ऑप्शन नहीं है। रोहित और आतिया से मिलके काफ़ी अच्छा लगा, माइंड एकदम फ्रेश हो गया। वो होता है ना दोस्तों से मिलने के बाद जो डिस्कशंस होते हैं, क्योंकि मैंने, मलिका ने, रोहित ने, आतिया ने लद्दाख ट्रिप एक साथ किया था, तो उसकी मेमोरीज हमने डिस्कस करी, आने वाले फ्यूचर प्लान कहाँ जाना है, कैसे करना है, कब तक ट्रैवल प्लान पॉसिबल होगा, और कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं जो सोशली हम लोगों को नहीं पता होती हैं, कुछ चीज़ें रोहित को पता थी, कुछ चीज़ें मुझे पता थी, तो हम लोग वो डिस्कस करते हैं कि क्या चल रहा है आजकल किस जगह पे, जैसे वो एयरपोर्ट पे जॉब करता है तो एयरपोर्ट पे किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्या देखने को मिल रहा है, नॉर्मल लाइफ में इंसान के साथ क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करके अच्छा लगता है, पता चलता है, नॉलेज बढ़ती है। अब जो है हम जा रहे हैं अपने मामा जी के यहाँ पर, अभी मेरा जो दिन का प्लान है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो लेट्स सी मामा जी के पास जाके क्या प्लान होता है, हम लोग क्या करते हैं। और जब मैं रोहित के घर पहुंचा था उसके बाद थोड़ी बारिश भी हुई थी तो टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया है, तो बाइक चलाने में भी मज़ा आ रहा है। या इट्स 7:45 राइट नाउ, ठीक ठाक रोशनी है अभी सड़क पर। रोहित, आतया और मलिका ने मुझे कहा कि आई एम लुकिंग वेरी टायर्ड टुडे, हो सकता है क्योंकि अभी कोई रूटीन नहीं है, कब उठना है, कब सोना है, तो वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फेस पे आ ही जाता है। सामने आपको 11 मूर्ति नज़र आ रही होंगी, और ये जो रोड है दिल्ली का मुझे सबसे, मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इन रोड्स पर कहीं भी कोई रेड लाइट्स वगैरह कुछ नहीं है, आप फ्लो में जा सकते हो, ट्रैफिक भी नहीं होता, और बाइक राइड करने में मज़ा भी बहुत आता है। और पहले किसी टाइम पे ये डिवाइडर नहीं हुआ करता था, ये सिंगल रोड थी, तब बाइक राइड करने का और भी ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन ये किसी तरीके से देखा जाए तो सेफ भी है, क्योंकि उधर का ट्रैफिक इधर नहीं आ सकता, इधर का उधर नहीं जा सकता। बीच में कई बार मैंने देखा है यहाँ पर जब फॉग होता था तो काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते थे, तो उस नज़र से देखा जाए तो ये काफ़ी सेफ हो गया अब। और ये मेरे लेफ्ट साइड में दिल्ली का फेमस बिरला मंदिर,
जब लॉकडाउन चल रहा था तब हम लोग इस एरिया में नहीं आ सकते थे, आगे एक रोड है वहाँ पे सारा बंद कर दिया था और उधर के लोग उस तरफ रहते थे और इधर के इस तरफ, लेकिन अब ऑलमोस्ट सब कुछ ओपन हो गया है। भागो मलिका। yes. मलिका। yes. मामा जी का फ्लोर जो है वो फोर्थ है ना। एक बार में चढ़ेगी पूरा भाग के? Done. चल come on. थर्ड कहा जा वेरी फास्ट वेरी फास्ट ऑलमोस्ट मेरे बराबर आई है। और मामी क्या हाल है? मामा जी क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। और क्या किया दिन भर? मामा जी के घर पे ही मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करे थे बट समहाउ आई लॉस्ट दैट डेटा। कोई बात नहीं, ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, चलती रहती हैं। बट अब दिन भर घूमने के बाद एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी है, तो अब मेरे अंदर सिर्फ इतनी ही एनर्जी है कि इस वीडियो को मैं एंड कर सकूं। सो फॉर एनी रीजन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और कमेंट भी करिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।